हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस का लेसन नंबर 4 अडेप्टेशन इन एनिमल इसको पढ़ेंगे। लेट अस बिगन विद अ क्वेश्चन। हम एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। व्हाई डज जिराफ हैव सच अ लॉन्ग नेक? जो जिराफ होता है उसके पास इतनी लंबी गर्दन क्यों होती है? ये प्रश्न अक्सर हमारे दिमाग में रहता है। जब भी आपने जिराफ को देखा होगा या डिस्कवरी चैनल में या बुक्स के अंदर, उसके हमेशा आपने लंबी गर्दन देखकर आपके दिमाग में प्रश्न जरूर आया होगा कि जिराफ कितनी लंबी गर्दन क्यों होती है। नाउ द ज़ेब्रा इज फाउंड इन द सेम हैबिटेट एज जिराफ बट इट्स इज नॉट दैट लॉन्ग। उसी सेम वातावरण में ज़ेब्रा भी रहता है पर उसकी इतनी लंबी गर्दन क्यों नहीं होती? कुड इट बी दैट इन कम्पीटिंग विद ज़ेब्रा फॉर फूड, क्या वो ज़ेब्रा से कम्पीट करने के लिए या वो खाने की कोशिश में वो पीछे ना रह जाए, इसीलिए कहीं उसकी गर्दन इतनी लंबी तो नहीं? लॉन्ग लॉन्ग अगो जिराफ स्टार्टेड स्ट्रेचिंग आउट टू द टॉप ऑफ द आर्शिया ट्री। वेल अबव द ज़ेब्रा कुड रीच फॉर। कहते बहुत सालों पहले जो जिराफ के जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेचिंग क्रैनिंग कर करके बहुत अपनी गर्दन को लंबा कर लिया होगा। जब बबूल के पेड़ों पे से आर्शिया ट्री मीन्स बबूल के पेड़ जो उनके ऊपर टॉप पर पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को इतना स्ट्रेच किया होगा कि उनकी गर्दन जो जिराफ की जो अब जो गर्दन उनको मिली है वो अपने पूर्वजों से मिली होगी। जनरेशन ऑफ ऑल दैट स्ट्रेचिंग एंड क्रैनिंग ऑफ नेक माइट हैव गिवन द जिराफ इट्स लॉन्ग लॉन्ग नेक। कहते हैं गर्दन की स्ट्रेचिंग और क्रैनिंग करने वाली जितनी भी पीढ़ियां रही होंगी, मतलब जिराफ की जो पहले की जो पीढ़ियां रही होंगी, उन्होंने जिराफ को अपनी लंबी गर्दन दी होगी। नाउ वी सिंपली से दैट जिराफ हैज अडेप्टेड वेल इन इट्स हैबिटेट टू एबल टू मैनेज अ बेली फुल ऑफ फूड। अब हम ये कह सकते हैं कि जिराफ ने अपने जो निवास स्थान है उसको अच्छी तरह समझ लिया है। उसको पता चल गया है कि उसे अपने भोजन का प्रबंध किस तरीके से करना है, अपना पेट कैसे भरना है। तो उसने अपने पूरे जो भी उसका जो रहने की जो जगह है उसको अच्छी तरह से समझ चुका है वो। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन एनिमल प्रोवाइड इट विद फूड इन प्लेंटी, गुड वेदर, इनफ वाटर एंड सेफ्टी फ्रॉम डेंजर। किसी भी जानवर का प्राकृतिक आवास उसे भोजन, पर्याप्त मौसम, पर्याप्त पानी और खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। एनिमल एडेप्ट देमसेल्फ नॉट जस्ट टू लिव इन देयर हैबिटेट बट ऑल्सो टू कम्पीट विद अदर एनिमल फॉर फूड एंड सर्वाइवल। कहते कोई भी जो जानवर होता है, जानवर ना केवल अपने आवास में रहना पसंद करते हैं बल्कि भोजन और जीवित रहने के लिए अन्य जानवरों के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है, मीन्स कॉम्पिटिशन भी करना पड़ता है उन्हें अपने खाने के लिए। There are many many different kinds of animal. Classify them in group. Help us in studying them. यहाँ पे बहुत तरह तरह के एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है जो हमें पढ़ने में हमारी मदद करेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बैकबोन, मतलब किन एनिमल्स की बैकबोन होती है और किसकी नहीं होती। All animal can broadly be grouped as vertebrates and invertebrates. मतलब उन animals को divide कर दिया गया है vertebrates animals में और invertebrates में। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं vertebrates और क्या होते हैं invertebrates. First हम पढ़ेंगे vertebrates. Mammal, fish, bird, reptile are all vertebrates that have bone. मतलब ये सारे जितने भी animals हैं ये सारे वर्टिबेट्स एनिमल्स होते हैं जिनकी बोन्स होती है, बैकबोन होती है। मैमल एंड फिशेज आर वार्म ब्लडेड एनिमल। और जो मैमल और फिशेज होते हैं, मैमल मीन जो स्तनधारी होते हैं, उनके वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब उनका जो खून होता है वो गर्म होता है। द बॉडीज ऑफ सच एनिमल एडजस्ट टू द वेदर। और वो अपनी बॉडी को वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना जानते हैं। देयर बॉडी कूल डाउन व्हेन द वेदर गेट टू हॉट। और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो अपनी बॉडी को वो कूल डाउन कर लेते हैं एंड ऑटोमेटिकली वार्म अप व्हेन इट गेट टू कोल्ड आउटसाइड। और अपनी बॉडी को गर्म करना भी जानते हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है बाहर। दस द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सच एनिमल स्टे द सेम।
और ऐसे एनिमल्स के जो बॉडी टेम्परेचर होता है सेम रहता है। फिशेज एंड रेप्टाइल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल विच डज नॉट रियली मीन दैट देयर ब्लड इज ऑलवेज कोल्ड। कहते जो फिश और रेप्टाइल होते हैं उनका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बस उसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा अपनी बॉडी को ब्लड को ठंडा रखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडीज चेंज विद देयर वेदर आउटसाइड, और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के वेदर के अनुसार ही एडजस्ट कर लेते हैं, चेंज करते रहते हैं। हैव यू सीन एलिगेटर्स इन द जू? क्या आपने जू में एलिगेटर्स को देखा है? मोस्ट ऑफ टाइम दे सीम्स टू बी बास्किंग इन द सन, ज्यादातर वो आपको धूप सेकते हुए दिखाई देंगे जू में। दैट इज बिकॉज दे गेट कोल्ड बीट इन द वॉटर टू लॉन्ग। ये इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा देर तक जब पानी में रह जाते हैं तो उनका जो खून होता है वो ठंडा हो जाता है, तो उसको गर्म करने के लिए वो बाहर निकल के धूप सेकते रहते हैं। बट दिव ए आर आउट इन द सन टू लॉन्ग सून देयर बॉडी गेट ओवर हीटिंग एंड दे नीडेड टू डैश बैक इन टू द वॉटर। और जब बहुत देर तक वो सन में रह जाते हैं तब उनकी जो बॉडी होती है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाती है, मतलब गर्म होना शुरू हो जाती है, और उसके तुरंत बाद ही जैसे उनको पता चलता है कि ओवरहीट होनी शुरू हो गई उनकी बॉडी, तो वो तुरंत उनको वापस पानी में जाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर जनरली स्मॉलर एनिमल्स एज दे डू नॉट हैव बैकबोन टू सपोर्ट अ बिगर बॉडी। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जिस जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिसकी बैकबोन नहीं होती और वो बड़ी बॉडी को नहीं सपोर्ट कर पाते। वो मतलब उनकी अगर ज्यादा बड़ी बॉडी होगी तो उनको बैकबोन जरूरत होगी, तो उनकी छोटी बॉडी होती है तो इसलिए उनको बैकबोन की जरूरत भी नहीं होती, इस वजह से उनकी बैकबोन नहीं होती। इंसेक्ट, वॉर्म, स्पाइडर, स्नेल एंड स्क्विड आर ऑल इनवर्टिब्रेट्स। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके बैकबोन नहीं होती। इंसेक्ट हैव थ्री पेयर ऑफ लेग, देयर बॉडी हैज अ हार्ड शेल लाइक कवरिंग कॉल्ड चीटिन। कहते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके थ्री पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मतलब टोटल सिक्स लेग्स होते हैं, जो कि उनकी जो बॉडी होती है ऊपर से हार्ड शेल से कवर की हुई रहती है, जिसको चीटिन बोला जाता है। एंड इंसेक्ट्स बॉडी हैज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, उनकी जो बॉडी होती है तीन पार्ट में डिवाइड की हुई रहती है, द हेड एंड थोरेक्स एंड द एबडोमेन। ये थ्री पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड की हुई रहती है। स्पाइडर हैव एट लेग्स वाइल क्रैब एंड श्रिम्प हैव फाइव पेयर्स ऑफ लेग और मोर। कहते हैं जो स्पाइडर होता है उसको एट लेग्स होते हैं और क्रैब और श्रिम्प के फाइव पेयर्स ऑफ लेग होते हैं और कई बार उसे ज्यादा भी होते हैं। सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स हैव मेनी मेनी लेग्स। सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स जो बहुत छोटे कीड़े मकौड़े होते हैं उनके बहुत ज्यादा भी लेग होते हैं। वॉर्म्स एंड स्नेल एंड स्लग हैव सॉफ्ट बॉडीज विद नो लेग्स एट ऑल। और जो वॉर्म और स्नेल्स होती है उनकी लेग्स नहीं होते और उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट। अब उनके खाने के आधार पर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न इन क्लास थ्री हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स इन टू हर्बिवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। हमने थर्ड क्लास में पढ़ा था कि उनके खाने पीने के आधार पर, जैसे वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन कौन से एनिमल्स घास खाते हैं, कौन से एनिमल्स फ्लैश ईटिंग होते हैं, कौन से एनिमल्स वो होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं और फ्लैश ईटिंग भी होते हैं, और एक होते हैं पैरासाइट्स जो कि किसी और पे निर्भर रहते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम हर्बीवोर्स। द पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट हर्बीवोर्स ईट have to be chewed well as they contain cellulose. कहते हैं जो herbivores animals होते हैं जो plants खाते हैं वो उसके अंदर जो cellulose होता है वो उसको अच्छी तरह से चबा चबा के खाने में सक्षम होते हैं। Thus herbivores animal have sharp cutting teeth to pull out vegetation and broad grinding teeth to chew it well. कहते हैं उनके जो teeth होते हैं वो इतने sharp होते हैं कि उनको जो vegetation होती है, जो खेती होती है, जैसे घास खाते हैं या फिर वो पेड़ों में से पत्तियां तोड़ के आराम से खा पाते हैं, क्योंकि उनके ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, बहुत चौड़े दांत होते हैं और उनके चबाने की क्षमता उनकी अच्छी होती है, तो इसी वजह से वो अच्छे से उसको चबा चबा के खा सकते हैं। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रांग एज दे ऑफन हैव टू ट्रेवल मच इन सर्च ऑफ फूड। और उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से वो दूर दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं अपने खाने की तलाश के लिए।
हिप्पोस, डियर, एलिफेंट्स एंड बेफेलोज आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स. जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनमें हिप्पो, डियर, एलिफेंट्स एंड बेफेलोज हैं जो कि उसके एग्जाम्पल्स हैं. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग होते हैं. फ्लैश ईटिंग कार्निवोर्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू पुल एंड टीयर आउट द मीट ऑफ दे प्रे. कहते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, उनके बहुत ही ज्यादा शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, मीन्स बहुत ही नोकीले टीथ होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो शिकार होता है उसको अच्छे से चीर फाड़ करके अच्छे से उसके मीट को खा पाने में सक्षम होते हैं. कार्निवोर्स बर्ड यूज देयर शार्प हुक्ड बीक टू ईट एंड लॉन्ग कर्व. कहते हैं जो कार्निवोर्स बर्ड्स होते हैं, जैसे ईगल है, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं, उनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, उनकी बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को अच्छे से अपने बीक में पकड़ने में सक्षम होते हैं. टेलॉन्स टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे. और अपने शिकार को अच्छे से पकड़ने में भी वो सक्षम होते हैं. कार्निवोर्स नीड टू बी स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन द हर्बीवोर्स दे प्रे ऑन. कहते हैं जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और फास्टर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना शिकार खुद पकड़ना होता है. हर्बीवोर्स को तो मिल जाता है हरियाली, हर जगह उनको घास पत्ते सब कुछ आसानी से मिल जाता है, पर कार्निवोर्स को अपना शिकार खुद पकड़ना होता है और उनको तेज बनना पड़ता है, क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन में उनके साथ और भी एनिमल्स होते हैं जो कि सेम शिकार के पीछे दौड़ रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको स्ट्रांग और फास्ट बनना पड़ता है. चीता, वोल्फ, स्नेक एंड शार्क आर ऑल आर कार्निवोर्स एनिमल्स. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोर्स एनिमल्स के. नेक्स्ट आ जाता है ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स वो होते हैं जो कि दोनों चीजें खाते हैं, घास पत्ते भी खाते हैं और एनिमल फ्लैश ईटिंग भी होते हैं. ओमनिवोर्स एनिमल ईट प्लांट पार्ट एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. कहते हैं वो प्लांट्स के पार्ट भी खाते हैं और अदर एनिमल्स के फ्लैश भी खाते हैं. Thus they have different kind of teeth to bite, tear and grind food. उनके जो दांत होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, अपने खाने को खाने के लिए, काटने के लिए, उसे चीरने के लिए और फिर उसको चबाने के लिए. Humans, bear and crow are example of omnivores. Omnivores के examples हैं humans, हम इंसान. आपने देखे होंगे हमारे दांतों का जो शेप होता है, आगे के जो हमारे बाइट के जो दांत होते हैं, आगे से हम उसको बाइट करते हैं किसी भी चीज को, तो हमारे वो आगे वाले दांत से करते हैं. हमें कोई चीज खींचनी होती है तो हम अपने साइड वाले टीथ यूज करते हैं, और ग्राइंड करनी होती है तो हमें अपने लास्ट वाले टीथ को इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह ये एग्जाम्पल्स हैं ओमनिवोर्स के. नेक्स्ट आ जाता है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स एनिमल डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड्स. जो पैरासाइट्स होते हैं वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. सम पैरासाइट्स लाइक राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म लिव इनसाइड, वाइल सम लाइक मॉस्किटोज एंड लीचेस लिव आउटसाइड देयर होस्ट. कुछ होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं और कुछ जो होते हैं शरीर के बाहर से ही अपना खाना ढूंढते हैं. जैसे मॉस्किटोज और लीचेस जुएं होती है वो बाहर रहती है, और राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म जो होते हैं पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो शरीर के अंदर रहते हैं. मोस्ट ऑफ पैरासाइट्स हैव द स्पेशल सकिंग पार्ट इन देयर माउथ विद विच दे प्लीज द स्किन एंड सक द ब्लड ऑफ देयर होस्ट. और कहते हैं इनकी जो सकिंग पावर होती है, जिससे वो सक करते हैं ब्लड को या अपने फूड को, उनमें इतनी तेज होती है कि वो जस्ट बैठते ही तुरंत ब्लड को सक कर लेते हैं. जैसे आपने मॉस्किटोज को देखा होगा, उसके आगे के साइड में एक निडल टाइप की सुई की तरह उसकी चोच होती है, जिससे वो जैसे ही बैठता है बॉडी पे और तुरंत वो अपना पिंच करके अपना जो निडल होता है बॉडी में घुसा लेता है और सुकून को ब्लड को सक कर लेता है. अब नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेयर दे लिव. उनके रहन सहन के आधार पे कि कौन से एनिमल को कैसा वातावरण, कैसी जलवायु चाहिए होती है. ऑल एनिमल एडेप्ट इन ऑर्डर टू लिव देयर लिव्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना घर ढूंढते हैं, अपने रहने की जगह ढूंढते हैं जहां उनको जो उनका जो प्राकृतिक वातावरण है उनके अनुकूल हो. उसमें से फर्स्ट आ जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल. लैंड डवेलिंग एनिमल आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो लैंड पे रहते हैं जो एनिमल्स, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है, जो जमीन पे रहते हैं. मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एज दे नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. और जो लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड रहता है, मतलब अच्छी तरह विकसित रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की जगहों को, सराउंडिंग्स को अपने अच्छी तरह से पहचानते हैं
In fact, in order to hear better, mammals have ear that can be seen, unlike birds and reptiles. और इनके कान भी होते हैं, ears होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से सुन सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, जो कि birds और reptiles में नहीं होते. The bodies of land animal are covered with skin. जो land animals की जो body होती है, वो उनके body पे एक skin से की covering होती है. The skin of an animal can tell us about the habitat it's live in. कहते हैं उनकी जो skin होती है, वो उनके रहन सहन के बारे में, उनके कैसे वातावरण में वो रह सकते हैं, उसके बारे में वो बताती है. Camel have thick skin with very little hair as they do not want to lose any water in the heat of the desert. कहते हैं कैमल जो होता है उसकी बहुत ही ज्यादा थिक, मीन्स बहुत मोटी स्किन होती है, और बहुत ही कम बाल होते हैं उसकी स्किन पे, जो कि गर्मी में भी ज्यादा देर तक बिना पानी के रह सकता है रेगिस्तान में. पोलर बियर हैव थिक फर कवर्ड दैट इंसुलेटेड देयर बॉडी फ्रॉम द बिटर आर्कटिक कोल्ड. कहते हैं जो पोलर बियर होता है उसकी जो बॉडी होती है, उस पर देखा होगा आपने बहुत सारे फर होते हैं उसकी बॉडी पे, बहुत बाल होते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहता है अंटार्कटिक कोल्ड में, जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ऐसी जगह में वो रहते हैं, उसकी बॉडी को वो गर्म रखता है. इंसुलेटेड मीन्स गर्म रखता है उसकी बॉडी को, जो फर होते हैं उसकी बॉडी को पूरी तरीके से गर्म रखता है, इसीलिए वो वहां पे जो एटमोसफेयर होता है वहां का, वो आसानी से वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं. देयर इज अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड बुलबलर अंडर देयर स्किन विच प्रोवाइड देयर बॉडीज विद न्यूट्रिशन इन देयर कोल्ड विंटर मंथ्स. कहते हैं उनकी जो बॉडी के अंदर फैट की लेयर होती है, जिसको ब्लबलर कहा जाता है, जो कि उनको बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सर्दियों के मौसम में, जब उनको खाना वगैरह लेने में मुश्किल होती है ढूंढने में, तब उनको उसकी बॉडी में जो फैट होता है उससे उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलते हैं. द बॉडी ऑफ रेप्टाइल लाइक स्नेक एंड एलिगेटर आर कवर्ड विद स्केल्स. और कहते हैं जो स्नेक और एलिगेटर्स होते हैं, उनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी में. एनिमल दैट ट्रेवल फार एंड वाइड हैव लॉन्ग लेग, वाइल दोज लाइक लिजर्ड दैट जस्ट नीड टू रश ओवर शॉर्ट डिस्टेंस टू ग्रैब देयर फूड हैव शॉर्ट स्क्विट लेग. कहते हैं जो एनिमल्स दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, उनके लंबे पैर होते हैं, और जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं, उनके छोटे पैर होते हैं, जैसे लिजर्ड वगैरह. द लेग्स ऑफ एनिमल लाइक हॉर्स एंड गोट एंड इन पॉइंटेड हुक्स, वाइल द कैमल एंड पोलर बियर हैव ब्रॉड पैडेड फीट दैट हेल्प्स देम वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड एंड स्नो रिस्पेक्टिवली. कहते हैं जो गोट और हॉर्स होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं, और कैमल और पोलर बियर के सॉफ्ट और पैडेड फीट होते हैं, क्योंकि कैमल जो होता है उसको सॉफ्ट सैंड पे ट्रैवल करना होता है, और जो पोलर बियर होता है उसको आइस में वो ट्रैवल करता है, वहां पे रहता है, इसीलिए उनके इस तरीके के पैर होते हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन ड्यू टू सीजनल चेंजेस इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एनिमल टू लिव इट ओन हैबिटेट. कहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग एनिमल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है अपने वातावरण में रहना. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और फूड और वाटर शॉर्टेज में फोर्स्ड एन एनिमल टू आइदर अडेप्ट टू और एस्केप फ्रॉम द चेंजेस. कहते हैं जो उनका एक्सट्रीम वेदर मीन्स जो तापमान बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो उस मौसम में वो वहां पे उनको रहना वहां पे मुश्किल हो जाता है, उनको अपने खाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी की चीजें वहां पे कम होती चली जाती हैं, तो उनके लिए वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है. In the grassland of Africa, before the dry summer month, huge herd of wild beasts move from distant places in search of food and water. कहते हैं जो अफ्रीका में grassland है, वहां पे जब dry summer means गर्मी आते हैं, उससे पहले बहुत ही बड़ा झुंड wild beast का, जो हिरण होते हैं वहां की एक टाइप के हिरण कहलाते हैं, उनका बहुत बड़ा झुंड अपनी जगह बदल लेता है खाने की और पानी की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं वो लोग. सम बर्ड्स फ्लाई अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स टू अवॉइड द कोल्ड विंटर मंथ्स ओनली टू रिटर्न व्हेन देयर होम्स गेट वार्मर. कहते हैं कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों के मौसम में गर्म जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही उनका मौसम चेंज होता है उनके जो कंट्री का, कॉन्टिनेंट का, वहां पे फिर वो वापस आ जाते हैं. This seasonal mass movement of animal is known as migration. इस तरीके से जो mass movement होती है, मतलब बहुत
ज्यादा संख्या में, जब झुंड के झुंड अपनी जगह बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मौसम चेंज होने पर, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो लोग जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह पे स्थान पर आ जाते हैं। दोज एनिमल दैट कैन नॉट एस्केप अडेप्ट देमसेल्फ टू रफ इट आउट थ्रू द मंथ ऑफ फूड स्टोरेज। और जो एनिमल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं महीनों तक उसी जगह पर रहने के लिए, अपने लिए वो फूड स्टोर कर लेते हैं। जैसे पोलर बियर गो इनटू अ लॉन्ग लॉन्ग स्लीप ओवर द विंटर मंथ्स एंड सर्वाइव ऑन द फैट स्टोर इन देयर बॉडी। जो पोलर बियर होता है विंटर्स आने पर एक लंबी नींद में चला जाता है, मतलब सो जाता है, और अपनी बॉडी में जो फैट जमा होता है उसी से सर्वाइव करता है उतने मंथ तक। दिस लॉन्ग विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन, और ऐसी नींद को हाइबरनेशन कहा जाता है, मतलब शीत निद्रा। टू अवॉइड द शॉर्टेज इन वॉटर ऑफ द हॉट मंथ, सम डेजर्ट एनिमल सेटल डाउन एंड बिकेम इनएक्टिव इन अ लॉन्ग समर स्लीप दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। मतलब जो गर्मी आने पर, जैसे सर्दी आने पर पोलर बियर तो सो जाता है, ऐसी ही जो गर्मी वाले जगह होती है, रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, डेजर्ट प्लेसेस होती है, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं जैसे ऊंट वगैरह है, कैमल है, ये लोग क्या करते हैं कि एक छांव में अपनी बॉडी को रेस्ट दे देते हैं। एक छांव में जाके कहीं भी पेड़ के नीचे, शेड के नीचे, वहां पे जाके अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और बहुत दिनों तक वहीं पे सो जाते हैं। तो ऐसी नींद को एस्टिवेशन कहा जाता है। जो शीतकाल में सोते हैं उसको शीत निंद्रा बोला जाता है, हाइबरनेशन, और जो गर्मियों में जो सोते हैं वो लोग छांव में, शेड में, उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। एनिमल हैव ऑल्सो अडेप्टेड देयर लुक्स टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। कुछ एनिमल्स होते हैं अपने लुक्स को मर्ज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से। दिस इज नोन एज कैमोफ्लेज। ऐसी चीज को कैमोफ्लेज कहते हैं, मीन्स अपने रूप को बदल लेना, उसी में ढाल लेना अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से। द एनिमल दैट गेट हंटेड डू नॉट वॉन्ट टू बी सीन बाय देयर प्रीडेटर। कहते जो एनिमल्स मतलब हंट करते हैं या फिर उनका शिकार होता है उन एनिमल्स का, वो नहीं चाहते कि हमें जो हिंसक एनिमल्स होते हैं जो वो हमें देखें और हमें पकड़ लें, तो इसी वजह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं। ग्रीन ग्रासहॉपर मर्ज विद द ग्रीन सराउंडिंग्स। जो ग्रीन ग्रासहॉपर होता है वो ग्रीन लीव्स में जाके अपने ग्रीन सराउंडिंग को देख के उसी में मर्ज हो जाता है। द सॉफ्ट व्हाइट फर ऑफ एमाइन मेक देम डिफिकल्ट टू स्पॉट अगेंस्ट द स्नो। और एमाइन जो जानवर होता है जो कि स्नो में रहता है और व्हाइट कलर का होता है और बिल्कुल स्नो में दिखाई भी नहीं देता कि वो कहाँ है, तो वो अपने आप को स्नो में ही छुपा लेता है। ऑन द अदर हैंड प्रीडेटर डू नॉट वॉन्ट टू बी सीन बिफोर दे पाउंस ऑन दे सरप्राइज्ड प्रे। और जो शिकार करते हैं जो एनिमल्स, जो हिंसक जानवर जो शिकार करते हैं, वो अपने आप को नहीं चाहते कि उनका शिकार उनको देख ले, इसीलिए दैट इज व्हाई टाइगर हैव स्ट्राइप्स एंड लियोपोर्ड हैव स्पॉट। इसीलिए जो टाइगर है जो कि शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करता है, उसको धारियां होती हैं उसके शरीर पर, स्ट्रिप्स होती हैं, और लियोपोर्ड को स्पॉट्स होते हैं। द कैमेलॉन इज लिजार्ड दैट कैन चेंज द कलर ऑफ देयर बॉडी ऑफ इट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। कैमेलॉन एक लिजार्ड है, वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेती है। एरियल एनिमल मोस्ट बर्ड्स मेनी इंसेक्ट्स एंड वन मैमल दैट द बर्ड कैन फ्लाई इन द एयर। कहते हैं एरियल एनिमल्स जो बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और मैमल जो कि हवा में उड़ सकते हैं उनको एरियल एनिमल्स कहा जाता है। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज विथ हॉलो बोन्स दैट कवर्ड विथ फेदर्स। बर्ड्स जो कि उनकी जो बोन्स होती हैं अंदर से हॉलो होती हैं और फेदर से कवर्ड की हुई रहती हैं। मंकी स्क्वेरल एंड पांडास आर ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स। और जो मंकी स्क्वेरल और पांडा है वो ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स है जो कि पेड़ों पर रहते हैं। सच एनिमल हैव ब्रॉड हिप्स, लॉन्ग लेग एंड टेल, ऑल ऑफ विच हेल्प देम इन क्लाइंबिंग अप ट्रीज एंड होल्डिंग ऑन इन टू ब्रांचेस। कहते हैं ये सारी चीजें जो उनकी टेल होती है, जो उनकी पूंछ होती है, उनके लंबे लंबे पैर होते हैं और जो ब्रॉड हिप्स होते हैं उनकी मदद करते हैं पेड़ों पर आराम से रहने के लिए और चढ़ने के लिए।
नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीबियस एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। एम्फीबियस एनिमल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। अ फ्रॉग यूजेस इट्स लंग्स टू ब्रीथ, जो फ्रॉग होता है अपने लंग्स यूज करता है ब्रीथ करने के लिए ऑन लैंड जब वो जमीन पे रहता है। एंड ब्रीथ इट थ्रू इट्स स्किन इन वाटर, और जब वो पानी में रह जाता है तो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। एज अ टैडपोल इट हैज गिल्स टू हेल्प ब्रीथ, जो टैडपोल होता है उसके गिल्स उसकी मदद करते हैं सांस लेने में। इट्स लॉन्ग हेड लेंथ हेल्प इट जम्प ऑन लैंड व्हाइल द वेब फीट हेल्प इट पैडल थ्रू स्किन। कहते हैं उसकी जो टैडपोल के जो हिंड्स लेग होते हैं, मीन्स जो उसके पैर होते हैं उसके मुड़े हुए, उससे वो हेल्प करता है उसको जंप करने के लिए। और इसी तरह उसके जो वेब फीट होते हैं, चौड़े चौड़े जो जाले की तरह उसके पैर होते हैं, उसकी मदद करते हैं पैडल की तरह पानी में तैरने के लिए, स्विम करने के लिए। न्यूएट सलामंदर एंड क्रोकोडाइल आर ऑल्सो एम्फीबियस एनिमल्स, और ये सारे भी एम्फीबियस एनिमल है जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्वेटिक एनिमल्स, ऑल फिशेस सम बर्ड्स रेप्टाइल एंड इंसेक्ट्स एंड मेनी मेनी इनवर्टिब्रेट्स आर एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, जैसे फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल, ये सारे। फिशेस हैव गिल टू ब्रीथ थ्रू एंड फिन्स टू स्विम, जो फिश होती है वो गिल से सांस लेती है और फिन से स्विम करती है। एक्वेटिक मैमल्स लाइक वेल एंड डॉल्फिन हैव लंग्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं जो कि स्तनधारी जिनको बोला जाता है, वो जैसे वेल्स और डॉल्फिन है, वो लंग्स, उनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। दिस इज व्हाई दे हैव टू कम टू द सर्फेस टू ब्रीथ, इसीलिए वो सांस लेने के लिए किनारे पर आते हैं। व्हेन अ वेल लेट आउट एयर थ्रू द ब्लो होल्स ऑन द टॉप ऑफ इट हेड, अ बिग फाउंटेन लाइक स्प्राउट ऑफ स्प्रे कैन बी सीन फ्रॉम एज फार। कहते हैं जब वो सांस लेती है वेल, उसके जो ऊपर ब्लो हेड होल होता है, हेड पर एक होल होता है जहां से जब वो सांस लेती है तो एक फाउंटेन की तरह, एक फुहारे की तरह एक पानी निकलता है जो कि स्प्रे बहुत दूर तक जाता है और दूर से भी वो दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर एनिमल, एक्सटिंक्ट मीन्स जो कि खत्म हो चुके हैं और एंडेंजर मीन्स जो खत्म होने के कगार पर है। डिस्पाइट अडेप्टिंग टू चेंज सम एनिमल्स आर सिंपली अनेबल टू कीप अप with the change in the environment and natural habitat. कुछ animals change को adapt नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे environment में घुल नहीं पाए तो, और उनको जो उनके natural habitat means उनके जो रहन सहन था, उनका खाना पीना जो भी था, वो उनके हिसाब से नहीं हो पाया तो वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। Such animal find it difficult to survive, और वो नहीं survive कर पाए। If more animal die than being born, और जन्म लेने से ज्यादा वो मरते चले गए। सून दैट काइंड ऑफ एनिमल मे नेवर बी फाउंड अगेन, और धीरे धीरे वो खत्म होते चले गए तो वो एनिमल्स वापस नहीं दिखाई दिए। द डोडो इज वन सच एक्सटिंक्ट बर्ड दैट वी डू नॉट सी एनी मोर इन आर वर्ल्ड। कहते डोडो उनमें से एक ऐसी बर्ड है जो कि खत्म हो चुकी है और अब इस दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई देती। समटाइम नेचुरल डिजास्टर मे वाइप आउट एनिमल्स फॉर एवर, कई बार ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं बड़ी बड़ी, उसमें भी कुछ एनिमल्स ऐसे ही खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। वंस मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ डायनासोर रोम अबाउट इन आर वर्ल्ड, और इसी तरह आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा जो कि खत्म हो गए इस दुनिया से। मच बिफोर मैन केम टू लिव ऑन इट डायनासोर आर नाउ एक्सटिंक्ट टू, और दुनिया में जब इंसान आए थे उससे भी पहले कभी डायनासोर हुआ करते थे जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एनिमल दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर नोन एज एंडेंजर एनिमल, वो एनिमल जो कि खत्म होने के कगार पर है, धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहे हैं, तो उन एनिमल्स को एंडेंजर एनिमल कहा जाता है, मीन्स खत्म होने के कगार पर है। जो द चीता, द टाइगर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द जायंट पांडा आर ऑल ऑन द एंडेंजर लिस्ट, ये सारे एनिमल्स एंडेंजर की लिस्ट में है जो कि बहुत ही कम हो रह गए हैं। इट इज मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी दैट एंडेंजर एनिमल्स, कहते हैं जो ह्यूमन्स की जो ज्यादातर जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां है, उनकी वजह से जो एनिमल्स है वो खतरे में है। वी हंट डाउन एनिमल्स, उनको हम शिकार करते हैं उनका, कट डाउन फॉरेस्ट, उनके जो घर है उनको काट देते हैं, जो जंगलों में उनके घर है रहते हैं जहां पे वो लोग, उनको काटते जा रहे हैं। टेकिंग अवे देयर होम्स एंड डर्टी द एनवायरमेंट्स दैट वी शेयर विद देम,
और उनके घर उनसे छीनते जा रहे हैं, एनवायरमेंट को गंदा करते जा रहे हैं, और जो कि वो शेयर करते हैं उसी चीज को वो शेयर करते हैं। बट नोइंग वॉट वी आर डूइंग रॉन्ग शुड मेक अस करेक्ट आवर सेल्फ एंड ट्राई एंड सेटिंग थिंग्स राइट। और हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम गलतियां करते जा रहे हैं, उनको हमें सुधार करना चाहिए उसमें, ताकि उनको अच्छे से अपना जीवन वहां पे जी सके, अच्छे से अपने जंगलों में रह सके। आर वर्ल्ड हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर मैन एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू को एग्जिस्ट। जो हमारी ये दुनिया है, संसार है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें इंसान, प्लांट्स, पेड़ पौधे और जानवर एक साथ मिलके आराम से रह सकते हैं। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें उनके घर नहीं उजाड़ने हैं, उनको हंट नहीं करना है, उनका शिकार नहीं करना है, मारना नहीं है, उनके एनवायरमेंट को गंदा नहीं करना है और साफ सुथरा एनवायरमेंट को बनाने में सबकी मदद करना है। हम नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्वेश्चन टाइम। टिक द करेक्ट बॉक्सेस। रेप्टाइल आर वर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड। द जायंट पांडा इज एन एरियल और एरोबियल एनिमल। एरोबियल एनिमल। द जायंट पांडा इज एन एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड एनिमल। स्नेल एंड स्क्विड आर वर्टिबेट्स और इनवर्टिबेट्स। इनवर्टिबेट्स। पोलर बियर स्लीप थ्रू समर और विंटर। विंटर। सम एनिमल्स माइग्रेट टू स्केप फ्रॉम फूड सरप्लस और शॉर्टेज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। शॉर्टेज। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। द बैट इज नॉट अ बर्ड। जो बैट होती है वो बर्ड नहीं होती, वो एक मैमल है, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड होते हैं। दे गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। वो बच्चों को जन्म देते हैं और दे प्रोड्यूस मिल्क। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इट इज नॉट अ बर्ड, इट इज अ मैमल। स्पाइडर हैव थ्री पेयर और सिक्स पेयर लेग इन ऑल। कहते हैं स्पाइडर के केवल तीन या छह पैर होते हैं बस। फॉल्स। उससे ज्यादा भी होते हैं। इन द कोल्ड विंटर मंथ्स बर्ड फ्लाई फ्रॉम वार्म प्लेसेस टू कोल्ड प्लेसेस। गर्म जगहों से ठंडी जगह पे आते हैं बर्ड्स। नहीं, ठंडी जगह से गर्म जगहों पे आते, तो ये फॉल्स होगा। मोस्ट एरोबियल एनिमल डू नॉट हैव अ टेल। फॉल्स। पैरासाइट एनिमल आर ऑल हर्बीवोर्स। फॉल्स। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स। ट्रू। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इनके क्लूज दिए गए हैं, आपको इसको अनजंबल करना है। क्लूज में आपको ये उल्टे सीधे करके दिए हुए। क्लूज दिया हुआ है ये एन एक्सटिंक्ट एनिमल डोडो। इंसेक्ट्स बॉडी कवर चीटिन, जो कि बहुत हार्ड शेल होते हैं। नॉट लिविंग एनीमोर एनीवेयर। एक्सटिंक्ट मींस वो कहीं भी नहीं बचे। फ्रॉग हिंट फीट वेब्ड। इंसेक्ट बॉडीज मिडिल पार्ट थोरेक्स। थ्री पार्ट्स होते हैं उसके इंसेक्ट के, तो उसका जो बीच का पार्ट होता है उसको थोरेक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट आर वर्टिबेट्स एंड इनवर्टिबेट्स। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। ऑल द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिबेट्स। एग्जाम्पल मैमल फिश बर्ड। इनवर्टिबेट्स आर जनरली स्मॉलर एनिमल्स एज दे डू नॉट हैव बैकबोन टू सपोर्ट अ बिगर बॉडी। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स वॉर्म स्पाइडर। नेक्स्ट आ जाते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स हिप्पो एंड एलिफेंट। ओमनिवोर्स ह्यूमंस एंड बियर। कार्निवोर्स चीता एंड वोल्व्स। क्वेश्चन नंबर थ्री। हाउ डज अ पोलर बियर सर्वाइव थ्रू द लॉन्ग विंटर मंथ्स व्हेन फूड इज सो स्केयर। कैसे वो सर्वाइव करते हैं पोलर बियर विंटर में, जबकि उनको खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। पोलर बियर गो इनटू अ लॉन्ग लॉन्ग स्लीप ओवर द विंटर मंथ्स एंड सर्वाइव ऑन द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी। वो सो जाते हैं सर्दियों में और अपना जो स्टोर्ड फैट होता है उससे अपनी बॉडी को जिंदा रखते हैं। व्हाई हैव सम एनिमल्स बिकेम एक्सटिंक्ट। क्यों एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। डिस्पाइट अडैप्टिंग टू चेंजेस सम एनिमल्स आर सिंपली अनेबल टू कीप अप विद देयर चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट एंड नेचुरल हैबिटेट्स। सच एनिमल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव सो दे आर बिकेम एक्सटिंक्ट। कहते हैं वो एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाए, इसी वजह से वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। क्वेश्चन नंबर फाइव। हाउ आर एनिमल क्लासिफाई बेस्ड ऑन वेयर दे लिव।
All animals adapt in order to live their lives and produce more of their own in their natural habitat. They are classified as terrestrial, aerobial, aerial, amphibian, and aquatic. Next, question number 6. What are endangered and extinct animals? Give two examples of each. Animals that are in danger of becoming extinct are known as endangered animal. Example, tiger, giant, panda. Which animal we do not see anymore in our world called extinct animal? Dodo and dinosaur. Question number 9. Think and answer. Why do monkeys have long tail but gorillas do not? Monkeys have long tail because the use of four limbs to move about, so the tail is helpful counterbalance. But gorillas move from branches to branches using their arms, so they do not need tail. अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस हो गए हैं, ये लेसन हो गया है कंप्लीट. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ. ओके, थैंक यू.